वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका एचएस टेक चैनल में। आप हमारे चैनल पर आके हमारी और भी कई वीडियोस जो हमारे चैनल पर पड़ी हैं उनको देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक एचएस टेक चैनल का कि हम घर बैठे हरियाणा के अंदर एक बीपीएल कार्ड धारक होते हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी सरकार ने फैमिली आईडी के जरिए बहुत सारे बीपीएल कार्डों को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी यूजर्स को ये परेशानी है कि मेरा कार्ड कट गया है या मेरा कार्ड अभी रनिंग में है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए कोई कंसोल आईडी या क्योस्क आईडी लेने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। आप बड़ी फ्रीडम से खुद ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बीपीएल है या नहीं। उस काम के लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर, किसी दिशा केंद्र या कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी सिंपल, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। दोबारा बता दें, आपकी स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया है मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन। इस वेबसाइट पे कोई लॉगिन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। कोई भी यूजर आए इस वेबसाइट पर, सीधा सा एक ऑप्शन पड़ा है ट्रैक बीपीएल स्टेटस। यहाँ ट्रैक बीपीएल स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये पेज आ जाएगा परिवार पहचान पत्र। में लॉगिन नहीं करना, किसी क्योस्क या सीएससी की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल और केवल आपने ट्रैक बीपीएल स्टेटस पर क्लिक करना, या तो आपके पास परिवार पहचान पत्र का आईडी हो या उस परिवार के किसी भी पर्सन का आधार कार्ड हो। केवल आधार कार्ड नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर करता हूँ, जैसे मैं अभी एक आधार नंबर डाल रहा हूँ आपके सामने, नीचे कैप्चा है 7 और 2 9। जैसे इसे सर्च करेंगे तो अगर ये बीपीएल हुआ तो इसका स्टेटस आ जाएगा, अगर ये सीपीएल हुआ तो भी इसका स्टेटस आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा कि आपके इस आधार कार्ड मेंबर की फैमिली आईडी पर बीपीएल या सीपीएल राशन कार्ड प्रस्तुति एक्टिवेट नहीं। सर्च करते हैं, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया दिस आधार डज नॉट बिलोंग टू बीपीएल फैमिली, यानी कि ये जो आधार कार्ड नंबर है ये बीपीएल को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह अभी मेरे पास एक बीपीएल आधार नंबर, सॉरी बीपीएल किसी व्यक्ति का है मेरे पास, मैं वो डाल के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं उसका स्टेटस डालूंगा तो उसका नाम और उसका नंबर, उसका बीपीएल स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। केवल 2 ही मिनट। जैसे मैं एक और डालता हूँ अभी किसी का आधार नंबर, कैप्चा डालेंगे 9918, देन सर्च करेंगे तो ये भी आ रहा है दिस एड्रेस डज नॉट बी बिलोंग टू बीपीएल फैमिली, ये पर्सन भी बीपीएल फैमिली में बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह मैं किसी एक और पर्सन का आधार नंबर डालता हूँ, देखिए ये फैमिली बीपीएल है। जैसे ही ये आधार नंबर डाला गया, डाउन करेंगे तो यहाँ उस पर्सन का नाम आ जाए, फादर नेम ना भी आए, देन स्टेटस आ गया बीपीएल। तो दैट मींस ये पर्सन और इसकी फैमिली बीपीएल राशन कार्ड होल्ड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ सर्च फैमिली और आधार नंबर पर डालना है, आपका बीपीएल स्टेटस आपके पास आ जाए। तो 2022 के आधार कार्ड की सबसे बेहतर ये सर्विस स्टेटस आपके सामने मैंने दिखाया है कि आप इसके जरिए चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बीपीएल है या नहीं। केवल और केवल अपनी फैमिली आईडी या केवल और केवल आधार नंबर, किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी लॉगिन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर लिखना। ऐसी वीडियो, मजेदार वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
शो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।